सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं आपके सामने आज वीडियो लेके आई हूँ वार्षिक फल 2021 मेष राशि के लिए। जी हाँ, मेष राशि जो है वो प्रथम राशि मानी जाती है और मेष राशि का स्वामी जो मंगल जो है वो मेष राशि में ही ट्रांजिट कर रहा है। एक सलाह जरूर देना चाहूंगी, मैं हूँ निशा गई, एस्ट्रोलॉजर, पामिस्ट और न्यूमरोलॉजिस्ट, कि जब आप ज्योतिष को देखते हैं या कोई भी वीडियो देखते हैं तो इसे इस प्रकार से देखें कि ये आपके लिए गाइडलाइन है। गाइडलाइन आपके फ्यूचर को प्लान करने के लिए, आपके फ्यूचर के कार्यों को प्लान करने के लिए। तो इसे एक गाइडलाइन की तरह से लेंगे तो आपके लिए चीजें समझना और करना आसान हो जाएंगी। शुरुआत हम करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के शुरू में ही साल 2021 जब शुरू हो रहा है तो मंगल जो है वो मेष राशि में ही ट्रांजिट कर रहा है, राहु वृषभ में है और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है कि शनि और जुपिटर जो है वो दशम भाव में है। तो मैं अपनी इस वीडियो को तीन भागों में डिवाइड कर रही हूँ, कर्म क्षेत्र, मैरिज और हेल्थ। तो पहले हम बात करते हैं कर्म क्षेत्र की। तो साल के शुरू में अगर आप व्यापार को लेकर चिंतित हो रहे हैं या इन्वेस्टमेंट को लेकर चिंतित हो रहे हैं तो थोड़ा सा चिंता का विषय तो है, लेकिन आप इसे बहुत अच्छे से हैंडल भी कर पाएंगे, स्पेशली व्यापार को, क्योंकि कर्म क्षेत्र जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो रहा है सैटर्न और जुपिटर से। जुपिटर चाहे डेबिलिटेटेड साइन में है, लेकिन यहाँ पे मैं एक सलाह देना चाहूंगी कि आपको अपने फाइनेंसेस को बहुत अच्छे से हैंडल करना चाहिए, स्पेशली अगर आप कोई भी व्यापार कर रहे हैं जमीन जायदाद को लेकर या कोई जमीन जायदाद की खरीद फरोख कर रहे हैं, तो साल के शुरू में यानी कि अप्रैल के महीने तक आपको थोड़ा सा इन्वेस्ट आप कर सकते हैं, लेकिन आप सोच समझ के करिए। व्यापार के बढ़ने के चांसेस जो है वो एंड मिडल ऑफ द ईयर में है, यानी कि मई से जब जुपिटर जब एक्वेरियस में ट्रांजिट कर जाएगा तब व्यापार में भी वृद्धि आएगी, कर्म में भी वृद्धि आएगी और शनि तो है ही कर्म स्थान में, तो कर्म स्थान जो नौकरी को लेके, ट्रांसफर को लेके जितने भी इम्पोर्टेंट डिसीजंस हैं वो साल के मध्य में बहुत ही मेजर हो जाएंगे और आपको लेने पड़ेंगे और आपको फायदा भी हो सकता है उनसे। साल का जो अंत है वो थोड़ा ट्रिकी रहने वाला है, आपको सोच समझ के फैसले लेने हैं और आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी सोच समझ के इन्वेस्ट करना है साल के अंत में। एक्चुअली क्या है कि राहु जो है वो सेकेंड हाउस में है, सेकेंड हाउस में राहु जो है वो अचानक बहुत कुछ दे जाता है, तो बातें करते वक्त या कोई डीलिंग करते वक्त आपको साल में बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना है। पॉजिटिविटी आएगी, व्यापार में भी आएगी, कर्म क्षेत्र में भी आएगी, धीरे धीरे आएगी, साल अच्छा होगा, लेकिन मिडल ऑफ द ईयर बहुत अच्छा होगा, रिजल्ट्स जो है वो मिडल ऑफ द ईयर में जाके मिलने शुरू होंगे आपको और एंड ऑफ द ईयर में आपको फिर अवेयर होने की जरूरत है। विवाह की बात करूं तो थोड़ा सा साल के शुरू में जो है रिलेशंस को आपको संभाल के रखना है, बल्कि पूरे साल ही अपनी वाणी को कंट्रोल में करना है और रिलेशंस को संभाल के ही रखना है। जी हाँ, क्योंकि थोड़ा सा घर का माहौल, संतान का माहौल जो है वो थोड़ा सा परेशानी लायक हो सकता है। माता जो है उसकी स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी बहुत जरूरत है, मदर का सपोर्ट आपको मिलेगा। वैवाहिक जीवन जो है वो थोड़ा सा उथल पुथल भरा रहेगा, लेकिन जैसे ही साल का मध्य आएगा संतान से कोई खुशखबरी भी मिल सकती है और आप बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन लेंगे अपनी किस संतान को लेके। विदेश से भी संपर्क स्थापित हो सकता है। साल पूरा साल लोअर एब्डोमेन का ध्यान रखना है, ब्लड प्रेशर का ध्यान रखना है। स्वास्थ्य की बात अब मैं कर रही हूँ क्योंकि केतु आपके एट्थ हाउस में ट्रांजिट करने वाला है और क्योंकि केतु एट्थ हाउस में ट्रांजिट कर रहा है तो रिलीजियस एक्टिविटीज तो बढ़ जाएंगी, लेकिन फिर भी कोशिश ये कीजिएगा कि आपका जो लोअर एब्डोमेन है उसको आपको ध्यान रखना है पूरा साल, पेट को लेके आपको पूरा साल ध्यान रखना है। स्वास्थ्य जो है मिला जुला रहने वाला है और माता का स्वास्थ्य थोड़ा सा साल के शुरू में तो बहुत बेहतरीन रहेगा, लेकिन जैसे ही साल का मध्य आएगा तब थोड़ा सा खराब हो सकता है। स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा, लेकिन आपको करना क्या है और किस चीज से बचना है, आपको करना यह है कि आपको संयम से काम लेना है
और दूसरा जो है आपको बहुत ज्यादा ओवर रिएक्शन से बचना है। और लकी नंबर्स आपके लिए रहेंगे 1, 9 एंड 3, और लकी कलर रहेगा रेड, और लकी डेज रहेंगे थर्सडेज, फ्राइडेज एंड सैटरडे। दूसरी मेरी वीडियो में मैं वृषभ यानी कि टॉरस राशि के बारे में आपको बताऊंगी, जरूर देखिएगा। नमस्कार।